जय हो हिंदुस्तान, जय हो भारत। इंडिया आज की तारीख में मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ आगे बढ़ने को एक बार फिर से तैयार है। लेकिन आज का दिन खास है, आज 15 अगस्त है। आज हमारे पुरखों ने आजादी की उस जंग को लड़ा, अंग्रेजों से जीत हासिल की और उसके बाद ये बड़ा पुख्ता हिंदुस्तान आपके सामने। लेकिन इसके पीछे बहुतों का हाथ है और खासकर उन मुखियाओं का जिनका जिक्र करना जरूरी है। और शुरुआत लाल किले की प्राचीर से ध्वज लहराने की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और ये सिलसिला उन्होंने 17 बार निभाया। 17 मर्तबा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। कितनी बार किन किन प्रधानमंत्रियों ने झंडा फहराया है, कितने लंबे समय तक वो पीएम के तौर पर हिंदुस्तान में रहे हैं, ये भी इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। इससे पहले इंदिरा गांधी 16 मर्तबा और उसके बाद मनमोहन सिंह 10 बार वो यहां लाल किले की प्राचीर से झंडा फहरा चुके हैं और 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां झंडा फहराया है। आज 9वीं मर्तबा वो ये झंडा फहराने वाले हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस का, वो बस अब से कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। और शुरुआत जो है जब GOC दिल्ली एरिया के आएंगे और उसके बाद वो सिलसिला तमाम अधिकारियों का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बस अब कुछ पलों का हमें इंतज़ार करना है। 6:56 पर ये कार्यक्रम की असल शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 7:18 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचेंगे। वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा और फिर 7:33 के आसपास उनका भाषण शुरू हो जाएगा जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। मेरी सहयोगी जिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ नहीं लेकिन दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ है। जिया बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, लेकिन उसी खूबसूरती के साथ एक बढ़िया सा जनता के लिए और जो व्यूअर्स ABP न्यूज के लिए हैं उनको ये बता दीजिए कि कार्यक्रम में आज क्या कुछ होने वाला है जिस पर जिया की नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया रूबिका आपका, और सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को और ABP न्यूज की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 75वीं वर्षगांठ इस साल हम मनाने जा रहे हैं और आपको ये भी बता दे कि लगातार हमारी हर चप्पे चप्पे पर, हर कोने कोने पर नजर है और उस कोने से हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे आज, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सुबह सुबह जब मैं अभी अपने घर से बाहर निकली तो टॉर्च लेके जो पुलिसकर्मी है वो ये देख रहे थे कि कार के अंदर कौन है। तो ऐसे सभी जगह चेकिंग चल रही है। इस वक्त मदीहा खान हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आइए उनसे ही जान लेते हैं कि अभी क्या इंतजाम किए गए हैं। मदीहा, ओवर टू यू, क्या इंतजाम आप देख पा रही, क्या तस्वीरें? बिल्कुल जी, आज की सुबह बेहद ही खास है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और इस वक्त बता देते हैं दिल्ली में चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा है वो लगी हुई है, सिक्योरिटी बेहद ही इस वक्त अलर्ट है। लोधी रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और तस्वीरें सबसे पहले यहाँ की सिक्योरिटी की आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कई लेयर बैरिगेटिंग है, पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है। सुबह से ही ये देखा जा रहा है कि किसी को भी बिना इजाजत या बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही है। लाल किले की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उसके लिए जो स्पेशल पासेज हैं आज प्रोग्राम के, उन पासेज होल्डर्स को ही सिर्फ अंदर लाल किले की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। और उसके अलावा जिन लोगों को रेलवे स्टेशन जाना है या दूसरी जगह, जरूरी जगह जाना है, तो उन लोगों को भी यहां पर पासेस चेक करने के बाद या उनका वैलिड रीजन जानने के बाद ही जाने की इजाजत दी जा रही है। और देखिए किस तरह से यहां पर जो ऑटो है उनको भी रोका जा रहा है और उनमें देखा जा रहा है कि कौन बैठा हुआ है, किस पर्पज से वो लोग जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ पुलिसकर्मी के साथ साथ यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, कई लेयर बैरिगेटिंग। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, दिल्ली में चप्पे चप्पे पर इसी तरह से सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट है, हर जगह सिक्योरिटी व्यवस्था जो है एकदम टाइट है। तो यही तस्वीरें दिल्ली में अलग अलग तरीके से उस चप्पे चप्पे पर बदिया ABP न्यूज के रिपोर्टर्स भी मौजूद है, जैसे आप वहां पहुंची हुई हैं। अजातिका भी दिल्ली के ही एक इलाके में पहुंची हुई है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजातिका, आजादी की खूबसूरत सुबह आपको मुबारक, लेकिन आप क्या देख पा रही हैं अपनी आंखों से, दर्शकों को बताइए। जी
जी बिल्कुल रूबिका, आपको भी और देश के वो सभी लोग जो एबीपी न्यूज देख रहे हैं उन सभी को आजादी की ये वर्षगांठ मुबारक। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास की, चप्पे चप्पे पर तस्वीरें आपको दिल्ली में आज ऐसी ही नजर आएंगी, जहां पर तमाम सुरक्षा गार्ड्स जो हैं, जो तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, सीआरपीएफ हो, वो नज़र आ रहे हैं सुबह से ही ड्यूटी कर रहे हैं। ना सिर्फ सुबह से, आधी रात से ये लोग यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही हवाई सर्विलेंस भी चल रहा है। हम जहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो राउंड लगाया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। ये बात सुनिश्चित की जा रही है कि जो हवाई जोन कुछ जगहों पर नो एयर जोन बनाया गया है, उस चीज़ का पालन पूरी तरीके से किया जाए। पुलिस ने देखिए उत्तर, मध्य और जो नई दिल्ली के ज़िले हैं वहाँ पर किसी भी तरह की जो हवाई वस्तुएं हैं वो उन्हें चलाने का उन्हें लगाम लगाई है। करीबन 1000 कैमरा जो हैं वो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हवाई सर्विलेंस में कोई बाधा ना आए। ड्रोन के खतरे को देखते हुए जगह जगह पर जो है वो रेडार भी तैनात किए हुए हैं और जितने लगातार इंटेलिजेंस की तरफ से ये खबरें बताई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि आतंकियों की काली नज़र हर बार हर वर्षगांठ पर आज़ादी के इसी तरह बनी रहती है, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए, उसे नेस्त नाबूद करने के लिए ये तैयारियां बेहद ज़रूरी हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।